नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविन सचान। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से जुड़े अहम मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा के लिए विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें भारत ने व्यापारिक मुद्दों पर सदस्य देशों की एकतरफा कार्रवाई से संबंधित कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे चीन और दक्षिण अफ्रीका का समर्थन मिला। WTO में चर्चा का दूसरा विषय विवादों के निपटारे से जुड़े तंत्र को जिंदा करना या उसे मजबूत करना रहा। विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक विवादों के निपटारे के लिए सुनवाई करने वाली अपेलेट बॉडी अप्रभावी हो गई दिखती है, क्योंकि अमेरिका ने जजों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस संस्था में आमतौर पर 7 जज होते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें 3 जज ही बचे हैं। WTO की दिल्ली बैठक में तीसरा अहम मुद्दा कृषि सब्सिडी रहा। समझेंगे कि जो एजेंडा था और जो आउटकम क्या इस बैठक का रहा है, और साथ ही साथ जिस तरीके की दिशा है उसको लेकर जो रणनीति है वो कितनी मजबूत या फिर कमजोर, और आगे की दिशा क्या होगी। हमारे साथ स्टूडियो में है नीरज श्रीवास्तव जी, हैं फॉर्मर एम्बेसडर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयंत दासगुप्ता हैं जो कि फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया थे WTO में, आपका भी स्वागत है। और प्रोफेसर अमन अग्रवाल होंगे। लेकिन शुरुआत में जयंत साहब आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से ये खासी महत्वपूर्ण बैठक जो अंतर्राष्ट्रीय इस वक्त उथल पुथल चल रही है, या फिर मैं कहूँ रस्साकशी एक तरीके से चल रही है कई मसलों को लेकर अमेरिका चीन और कुछ देशों के बीच में, जो एजेंडा था और जो आज डिक्लेरेशन हुआ है, कहाँ तक आगे बढ़ते नजर आए हम? देखिए कविंद्र जी, इसमें ये जो बैठक भारत ने आहूत की है, ये काफ़ी दिनों से इसकी बात चल रही थी, और भारत समय समय पर इस प्रकार की बैठकें बुलाता रहा है, खासकर विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में। अगले साल जून में अस्टाना कजाकिस्तान में विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मिनिस्टीरियल बैठक होने वाली है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे शायद उसमें विचाराधीन होंगे और उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये बैठक इस कड़ी में एक सूत्र है, ये एक कड़ी है इस लंबी यात्रा में, जिसमें भारत और अन्य जो विकासशील देश हैं, जो LDCs हैं, उन्होंने अपनी मांगों को रखने के लिए एक कोशिश की है, जिससे कि अन्य देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उनके सामने इनका वक्तव्य रखा जा सके। सो सर्वप्रथम ये बात है कि जो एपिलेट बॉडी की बात जिसमें आपने की है भी, एपिलेट बॉडी विश्व व्यापार संगठन का एक केंद्र बिंदु है, क्योंकि कोई भी करार जो होता है, अग्रीमेंट होता है, अगर कोई देश उसमें किसी प्रकार से उसका उल्लंघन करता है अपने ऑब्लिगेशंस का, तो विश्व व्यापार संगठन की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उस पर फैसला करती है और उसे जो देश उल्लंघन कर रहा है उसे मानना पड़ता है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की जो ऊपर की संस्था है वो है एपिलेट बॉडी। अगर एपिलेट बॉडी को ही निष्प्रभावी कर दिया जाए, जैसा कि होने जा रहा है इस दिसंबर से, तो फिर कोई भी करार में किसी प्रकार का उल्लंघन अगर होगा, खास करके शक्तिशाली देशों की ओर से, तो उसको किसी प्रकार से उसका कोई निराकरण नहीं हो पाएगा। क्या इसमें कोई तकनीकी दिक्कत है इसलिए इसको मजबूत नहीं किया जा रहा, या फिर जजों की नियुक्ति जिस पर अमेरिका ने रोक लगाई हुई, या इसके पीछे कहीं ना कहीं जो डेवलप कंट्री हैं उनकी एक, मैं कहूँ सीधे तौर पर कोई साजिश दिखती है? देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज का इसमें मैं नहीं कहूँगा कि कोई एक मत है उसमें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और भारत और कई अन्य देशों ने इस प्रकार एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव टेबल किया है, जिसमें WTO के रिफॉर्म्स के साथ साथ एपिलेट बॉडी के इस जो अभी जिस प्रकार का एक इम्पास चल रहा है उसके हल के लिए, उसके निराकरण के लिए कई सुझाव दिए हैं। तो यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब कहा जा सकता है कि सारे लोग चाहते हैं कि एपिलेट बॉडी फिर से अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। US, जहाँ तक US का सवाल है, US कई सालों से, 2 सालों से एपिलेट बॉडी में कोई नए सदस्य की का मनोनयन वो कंसेंसस में ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी कोई एक देश भी विश्व व्यापार संगठन के किसी फैसले को रोक सकता है या उसे निष्प्रभावी कर सकता है। तो US दुर्भाग्यवश वो भूमिका निभा रहा है एपिलेट बॉडी की सदस्यता को लेकर,
और दिसंबर के बाद सिर्फ एक सदस्य रह जाएंगे और जैसा आपने कहा तीन सदस्यों की ज़रूरत है किसी भी अपील पर फैसला करने के लिए। तो ये रहा एपलेट बॉडी की बात। दूसरी बात है, यूएस ने हाल में एक प्रस्ताव टेबल किया है जिसके तहत जो सेल्फ डेजिग्नेशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ का उसे एक ढांचे में डाला जाएगा और कई मापदंड रखे गए हैं। जैसे किसी देश का अगर 0.5% से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसका अंश हो तो वो विकासशील देश नहीं माना जाएगा। तो भारत, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कई देश हैं इस प्रकार के जो विकासशील देश नहीं कहे जाएंगे विश्व व्यापार संगठन में, और उन्हें उसी प्रकार के दायित्व लेने पड़ेंगे, ऑब्लिगेशंस लेने पड़ेंगे जो विकसित देश लेते आ रहे हैं या ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी। दो पॉइंट नीरज जी जहाँ पर सुनना चाहूँगा। एक जो पॉइंट अभी कहा दासगुप्ता ने कि जिस तरीके से ये फ्रेमवर्क बदला गया है कि 0.5% इस परसेंटेज तक अगर आपकी हिस्सेदारी है तो आप विकसित नहीं, यानी कि वो सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी और उस पैरामीटर पर आप उससे दूर खड़े होते हैं, इससे इम्पैक्ट क्या होगा? और दूसरा, जब इस पूरे एजेंडे को देखते हैं, ओपन ट्रेड की बात कही गई है और जो आउटकम है उसमें भी एक बड़ा फोकस इसमें रखा गया है, वो कहाँ पर जाता है और कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ता दिख रहा है ये जो आवाज़ है ओपन ट्रेड को लेकर? देखिए, ये जो क्राइटेरियन निश्चित किया गया है 0.5% का, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो आप फिर डेवलपिंग कंट्री नहीं माने जाएंगे, आप डेवलप्ड कंट्री माने जाएंगे। अब ये ट्रेड के मामले में भी, जैसे कि दुनिया में और अगर दूसरे मामले होते हैं, राजनीतिक मामले होते हैं या मिलिट्री मामले होते हैं या ट्रेड, उसी तरह ट्रेड में भी जो शक्तिशाली देश होते हैं वो अपनी अपने अपने इंटरेस्ट को जो है वो आगे बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, और वो ये कोशिश करते हैं कि ये जो मापदंड जो बनाए गए जाते हैं जैसे 0.5% वगैरह, वो भी ऐसे इस तरीके से बने जिससे कि उनको फ़ायदा हो। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जैसे इस मापदंड के हिसाब से अगर आप भारत, चीन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ को आप बोलते हैं, अमेरिका बोलता है कि अब आप नहीं है डेवलपिंग कंट्री, तो भारत के केस में आप अगर देखें तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या पर कैपिटा जीडीपी है वही आप ले लें, वो काफ़ी कम है दूसरे देशों के तुलना में, बहुत काफ़ी कम है। तो ये एकदम क्लियर केस है, इस सीधे साफ सफाई से ये दिखाता है कि ये मापदंड जो है वो भारत पर अप्लाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अप्लाई हुआ तो भारत को इससे फिर नुकसान हो सकता है। रही दूसरे पॉइंट की बात, तो दूसरे पॉइंट में भी जो आपने जो कहा उसमें भी कोशिश, ये ओपन ट्रेड का मतलब ये रहता है कि कहने को तो ये कुछ अमेरिका या ये देश कहते हैं कि हम ओपन ट्रेड मानने वाले हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो उसको बदलने की कोशिश करते हैं अपने फेवर में। जैसे अमेरिका ने नाफ्टा जो उनका है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो तीन कंट्रीज में है, उसको उन्होंने रीनेगोशिएट पूरा कर लिया है जबकि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, तो कनाडा और मेक्सिको के ऊपर प्रेशर डाल के। तो कहने के लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ओपन ट्रेड सबका करना चाहिए, लेकिन जो वास्तविक ग्राउंड रियलिटी होती है उसमें कोशिश ये होती है कि वो अपने बल का प्रयोग करें, आर्थिक शक्ति का प्रयोग करें और दूसरों को जो है उन लोगों को फोर्स करें कि ये हमारे रूल्स के हिसाब से खेलो। अमन जी, क्योंकि जो फोकस दिख रहा है, भारत का फोकस उसमें रहा है और कई एक बड़ी संख्या है डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कि ओपन ट्रेड के पक्ष में एक साथ दिखे हैं WTO के दिल्ली बैठक में, लेकिन ये मजबूती कितनी आगे बढ़ती दिखेगी जब पूरी एक विस्तृत बैठक होगी अगले साल, और साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्री हैं अमेरिका जैसे देश वो कितना स्पेस देंगे आपके इस आवाज़ को? देखिए, जहाँ तक ओपन ट्रेड की बात है, ये दशक प्रदशिद जो है इसका रूप थोड़ा सा बदलता नज़र आ रहा है। बड़े बड़े देश होते हैं जो मीटिंग्स करते हैं उसके अंदर कुछ प्रभावित करते हैं। हिंदुस्तान ने प्रभाव किया था जब WTO नेगोशिएशंस 2000 के बिगिनिंग में फेल होती आई, वो इसीलिए हुई क्योंकि हिंदुस्तान एक मसीहा बन के आया। काफ़ी सारे जो डेवलपिंग नेशंस थे उनका LDCs के नाम से भी कहा जाता है, LDCs का भी डेवलपिंग, दोनों का मसीहा बन के आया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया, बिकॉज जो अमेरिका और यूरोप था करीबन 300 से 400%
सब्सिडी दे रहा था एग्रीकल्चर के ऊपर, जबकि बाकी सारों को कहता था कम करिए, थी तो और बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे वो एडवांटेज ले रहा था। तो इस तरीके से जो मसीह निकल के आ रहा है वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान थोड़ा सा बाहर निकले, अलग निकले। देश भी चाहते हैं काफ़ी सारे कि वो जो है डेवलपिंग से LDC से डेवलपिंग बने, डेवलपिंग से डेवलप्ड बने। उसके अपने कुछ नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो जब डेवलप्ड नेशन की तरफ प्रभाव होता है वो डिफरेंट होता है। हम हिंदुस्तान जो है पूरी तरह प्रभावित नहीं होता है सब चीज़ों में, सब मापदंडों में हम नहीं निकल के आते कि हम डेवलप्ड कहला सकें। बट एक इसीलिए हम लोग ये जो कुछ 10 सालों से करीबन एक नई टर्म जो चल रही है इमर्जिंग नेशन की बात जो चल रही है, वो इन हिंदुस्तान और चाइना ऐसे ब्रिक्स जो नेशंस हैं वो काफ़ी सारे वो इमर्जिंग नेशन में दिखाई देने को पड़ते हैं कि डेवलप के कुछ आंकड़े दिखाते हैं पर कुछ डेवलपिंग वाले भी दिखाते हैं, तो इसलिए उन दोनों को मिक्स। पर ये कहना कि ओपन ट्रेड बिल्कुल नहीं है, हमने FTAs किए हुए, बड़े सारे FTAs किए जब से WTO फेल हुआ 2000 में, जबकि पास्कल आर्मी को वापस लाया गया कि दोबारा शुरू किया जा सके, उसको स्ट्रक्चर किया जा सके, वो पूरी तरह नहीं उभर के आ पा रहा है। दोबारा कार्यकाल तो शुरू हुआ पर पूरी तरह निकल के नहीं आया। जो ओपन ट्रेड के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कोई डेफिनेशन होती हैं, जैसे हमें देखने को मिला 2000 के बिगनिंग में, करीबन 2005-06 के आसपास अमेरिका ने डंपिंग की डेफिनेशन कम्प्लीटली न्यू डिफाइन कर दी। जो डंपिंग होता था पहले, जब हिंदुस्तान में कोई चीज़ आ रही थी या साउथ ईस्ट एशिया में कोई चीज़ आ रही थी, अमेरिका बड़े देश लेके आ रहे थे, तो कहते थे आप कंज्यूमरिज्म की तरह देखिए, कंज्यूमर बेनिफिट को देखें, जब कि चीज़ आ रही है एक सस्ते दाम में मिल रही है, अच्छी बेटर क्वालिटी मिल रही है, तो आप उसको देखिए, इसको ना देखिए कि हम काफ़ी सारा माल डाल रहे हैं। अब जब ये रिवर्स डंपिंग होनी शुरू हुई, जब रिवर्स शुरू हुआ 2000 के बाद, क्योंकि जो विकसित देश थे, जो बन रहे थे, डेवलपिंग थे, उनके प्रोडक्ट अच्छे होने लगे, उनके मापदंड भी अच्छे होने लगे, कम कीमतें भी कम होने लगी, तो ये जब इम्पैक्ट डेवलप्ड नेशंस में आने लगा तो अमेरिका ने क्या किया, उसको कहने लगे कि हम जो है इसकी डेफिनेशन डंपिंग की चेंज करेंगे, कि अगर कोई वस्तु आप अमेरिका में ला रहे हैं उसका जो रेट है वो अमेरिका के अंदर उसको प्रोड्यूस करने से अगर कम है तो हम उसको डंपिंग माने। तो इस तरीके से जो प्रावधान किए जाते हैं वो ओपन ट्रेड के खिलाफ भी होते हैं, पर ये कहें कि ओपन ट्रेड से बेनिफिट नहीं होगा, हमने देखा है हिंदुस्तान को भी नहीं। सवाल यहाँ पर ओपन ट्रेड के बेनिफिट्स नहीं, सवाल ये कि जिस तरीके से जो WTO में डिफरेंट कंट्रीज हैं और जो देख रहे हैं इस वक्त ट्रेड वॉर और जिसकी मार कई बार इन देशों पर पड़ती है, उसको लेकर एकजुटता की बात यहाँ पर जब हुई है इस 2 दिन की बैठक में, और भारत की ओर से जब सुरेश प्रभु ने कहा भी कि ये प्रस्ताव हुआ उसमें कई लोग सहमत भी हुए हैं, ये आवाज़ जो है वो जब फुल बेंच बैठक होगी वहाँ पर कितनी मजबूती से वो देश सुनने को तैयार होंगे, या फिर ये कितनी आगे तक बढ़ पाएगी, इसकी क्या उम्मीद देखती सर? कविंद्र जी, विश्व व्यापार संगठन में कागज़ पर तो सारे जो फैसले होते हैं वो कंसेंसस के आधार पर होते हैं, 164 में से कोई एक देश भी अगर कहे कि वो सहमत नहीं है तो फैसला नहीं आगे बढ़ सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि तरह तरह के पावर प्लेज होते हैं, लोन लोगों को मिला होता है, सरकारों को, IMF का रोल है, वर्ल्ड बैंक का रोल उसमें आता है, तो कई प्रकार से प्रभाव डाले जाते हैं, प्रेशर डाला जाता है, और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जिनके मुद्दे बहुत सीमित हैं और उनको अपनी ओर खींचने में या कम से कम उन्हें चुप कराने में जो विकसित देश हैं, प्रभावशाली देश हैं, वो सफल हो जाते हैं। तो ये तो विश्व व्यापार संगठन में क्या, ये कई जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें ये देखा जाता है। लेकिन इसी में से एक रास्ता निकल के आया था कि एपेलेट बॉडी डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के तहत, कि उसमें निष्पक्ष भाव से एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत फैसले लिए जाएंगे कि साहब आपने उल्लंघन किया है कि नहीं किया है, जो भी अग्रीमेंट हो उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन न्यायिक प्रक्रिया के पर्यवेक्षण में होगा। तो जब उसी की जड़ को आप काटने पर तुले हुए हैं और सफल अगर हो जाते हैं तो ये मल्टीलैटरलिज्म को बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा, और इसके बाद वो अग्रीमेंट जो हैं वो बहुत मायने नहीं रख पाएंगे, और फिर बायलैटरलिज्म जिसमें कि जो शक्तिशाली देश होगा उसका प्रभाव चालू रहेगा और वो जो दूसरे कम प्रभाव वाले देश हैं, दुर्बल देश हैं, चाहे अर्थनैतिक तौर पर हों या और किसी प्रकार से हों, तो उन पर उनकी तूती बोलेगी, वो जिस प्रकार से चाहें वो अपनी ओर बात खींच सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसलिए भारत इसमें अग्रणी होकर
इसमें यह बैठक भारत ने आहूत की है और उम्मीद है कि ये इसमें तो 22 देशों ने वो सम्मिलित हुए, इसमें उम्मीद है कि और बहुत सारे देश जो शायद नहीं भेज पाए अपने मंत्रियों को या अपने प्रतिनिधियों को, वो भी इस डेक्लेरेशन को जब पढ़ेंगे तो वो एकमत होंगे कि उसमें इस डेक्लेरेशन में उनकी बातों का भी को भी शामिल किया गया है और उनके जो ध्येय हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, ये इसमें रिफ्लेक्टेड हुए हैं, उनका प्रतिफलन हुआ है। धीरे जी, अपेलेट बॉडी को जब देखते हैं कि वहाँ पर साफ तौर पर आरोप क्या, ये हकीकत दिख रही है कि उसको कमज़ोर किया गया है और दिसंबर के बाद अगर हालात नहीं बदले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इस संकेत किस तरीके से देखते हैं WTO के अस्तित्व या फिर उसके जो लक्ष्य थे उसकी दिशा को लेकर? ये अच्छा संकेत नहीं है WTO के लिए। जैसा कि जयंत जी ने भी कहा कि जो वो अपेलेट बॉडी है, मतलब सबसे जो आखिरी जो बॉडी है जहाँ पर कि डिसीजन लिया जाता है, अगर आप उसी को जो है कमज़ोर कर दे रहे हैं, उसको उनके जज की वैकेंसीज आप नहीं भरने दे रहे हैं, तो फिर कोई जैसे साधारण देश है कोई, वो किस तरीके से अपने डिस्प्यूट को, जैसे अमेरिका के साथ उसका कोई डिस्प्यूट है, उसको किस तरह से उसका समाधान निकालेगा? तो ये एक अच्छे डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये कोई नई बात भी नहीं है। इस तरह का बिहेवियर अमेरिका का या दूसरे शक्तिशाली देशों का, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहाँ पर भी उन लोगों ने इसी तरह का बिहेवियर किया है कि अगर मान लीजिए कोई जजमेंट उनके अगेंस्ट गया तो वो कहते हैं कि नहीं, वो इस जजमेंट को हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं, ये हमारे डोमेस्टिक जुरिसडिक्शन में फॉल करता है। तो ये मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ाना और उसको मजबूत करना, ये हमारे हित में है, भारत के हित में, और मेरा ख्याल है उस ये जो बैठक हुई है, इस तरह की बैठकें करने से ही हम ये कंसेंसस बिल्ड कर पाएंगे ज़्यादा देशों के साथ कि आप इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड जो हैं उनको मजबूत कीजिए और ये जिसकी लाठी उसकी भैंस का वाला जो प्रिंसिपल है वो आप मत इस्तेमाल करिए, जो कि इस्तेमाल होता आया है, अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में जो चाहेगा वो उसको करने की कोशिश करता रहेगा। डिपेंड करता है आपके पास शक्ति कितनी है, लाठी आपके पास है कि भैंस, कितने ताकतवर आप हैं। प्रोफेसर अमन, एक और जो मसला रहा इस WTO बैठक में दो दिन में, वो है कृषि सब्सिडी को लेकर, जो आउटकम है उसके नज़रिए से क्या देखता है भविष्य का रोड मैप और किस तरीके से कितनी मजबूती के साथ ये जो आवाज़ वो खड़ी होती नज़र आ रही है? देखिए जी, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि ये सोचें कि इस समय से विकसित देश जो हैं अपना बोलबाला कर पाएंगे, वो इस समय नहीं है, क्योंकि अलग अलग देशों के अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हिंदुस्तान जैसे देश है जिसके मार्केट है माल बेचने के लिए, अमेरिका अगर बना भी रहा है अपना सामान तो कहाँ जाके बेचेगा, उसको बेचने के लिए भी तो जगह चाहिए, सिर्फ कोई बनाने से तो ट्रेड नहीं हो पाएगा अपना। इसी तरीके से काफ़ी सारे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, खरीदने की मार्केट है, जो इनके सामान बनते हैं उनको खरीदने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए कि जो ट्रेड बैलेंस है, और हमने देखा कि सिर्फ WTO नहीं, अंगटैड भी है जो एजेंसी है जो सिर्फ ट्रेड को ही देखती आ रही है, यूनाइटेड नेशंस ने सेटअप की थी अपने अंडर। तो सिर्फ ये सोचें कि WTO अब 20 सालों से एक तरीके से चल नहीं रहा था, डेड सा हुआ पड़ा था, तो ये तो नहीं था कि ट्रेड नहीं चल रहा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चल रहे थे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी चल रहे थे, मल्टीलैटरल ट्रेड रीजन्स में भी चल रहे थे, सार्क है और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आसियान है उनके भी बीच में ट्रेड चल रहे थे। तो ये सोचें कि सिर्फ WTO एग्जिस्ट करेगा तो ट्रेड हिंदुस्तान में या विश्व में चलेगा, नहीं। पर एक चीज़ जरूर देखने को मिली हमें और आज ही देखने को मिली कि चाइना ने भी रिटेलिएट किया, जब अमेरिका इतना लगा रहा है उसने डेडलाइन दी है, अगर आप ऐसा ही करेंगे तो हम भी इतना सारा टैक्स लगाएंगे और इतना चीज़ों के ऊपर आपके अब टैक्स लगने की उम्मीद हो सकती है। तो ये जो पावर है इस समय, बैलेंसिंग पावर दोनों देशों की तरफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो छोटे देश हैं वो डरे हैं, दबके हुए हैं। दूसरी चीज़ जो आपने करी कृषि की, जो है बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जो डेवलप्ड नेशंस हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप के नेशंस हो और जो नेशंस हैं, उनके यहाँ जो लोग
एग्रीकल्चर में, कृषि के अंदर लगे हुए हैं, करीबन वो 1 से 2, 1 से 3% के बीच में है पूरी पॉपुलेशन के। हिंदुस्तान जैसे देश में 60 से 72% डिपेंडिंग एग्रीकल्चर ले रहे हैं या एग्रीकल्चर प्लस एलाइड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ले रहे हैं, दोनों को अगर लेके चलें इतनी प्रतिशत जनता है। चाइना में भी काफ़ी हैं और भी देशों में जो है करीबन 15-20-25-30% के करीब एग्रीकल्चर बेस, तो उनका जो मापदंड नेचुरली कृषि की तरफ ज़्यादा है। अमेरिका और जो डेवलप नेशंस हैं वो अपने कृषि को बचाना चाहते हैं, कल को अगर वॉर हो जाए, रिस्ट्रिक्शन हो जाए तो खाना कौन बनाएगा, तो इसलिए वो हैवी सब्सिडी करीबन 200-300-400% भी देखी गई है सब्सिडी देते आए हैं, और इसीलिए WTO राउंड जो है दोहा में कम हुआ, उसके बाद भी काफ़ी कम, लेकिन लगातार आवाज़ें बुलंद होती रही ना कि उसके बावजूद जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को सब्सिडी के मसले पर कोई, मैं कहूँ, कुछ हाथ लगता नहीं नज़र आया है। इस बार फिर एजेंडे में मसला रहा है, कई देश सहमत रहे हैं, लेकिन रास्ता के आगे कहीं दिखता भी है या बार बार सिर्फ बैठक और वहाँ तक सीमित होती है एजेंडे तक बातें, अगर सब्सिडी पर ही देखें फोकस करें तो? देखिए, कृषि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें न तो यूरोपियन यूनियन, न जापान, न US कोई भी इसमें अपनी सब्सिडीज़ कम नहीं करना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि खासकर जापान और यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे, इन सब देशों ने बहुत सारे जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं कृषि पदार्थों पर वो काफ़ी ऊंची करके रखी हुई है और वो उन्हें कम नहीं करना चाहते हैं, तो ये समस्या। और अगर आप विकासशील देशों की बात देखें, LDCs की बात देखें, तो अधिकतर जो हैं उनमें कृषि प्रधान उनका निर्यात होता है, कृषि प्रधान पदार्थों का। तो अगर आप एक तरफ सब्सिडी देते हैं, दूसरी ओर आप मार्केट एक्सेस आप कम देते हैं, तो फिर ये क्या बेचेंगे, तो ये एक समस्या रही है। लेकिन US और EU जिस ओर अब ले जा रहा है WTO के की जो डिस्कोर्स को, और उसमें कई विकासशील देशों को भी उन्होंने अपनी ओर खींच लिया है, उसमें ये बात हो रही है कि अब सेक्टोरल अग्रीमेंट्स होंगे। जैसे ई कॉमर्स पर एक अग्रीमेंट होगा, उसी पर सिर्फ होगा, अब इंटेग्रेटेड राउंड जिसमें कृषि हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हों, सब्सिडीज़ हों, सब की बात चले और एक साथ फैसला हो और सभी अग्रीमेंट्स एक साथ क्लोज किए जाएं, ऐसी बात अब नहीं रहेगी। तो ये दोहा राउंड जो चल रहा था 2000 से, और जिस जो अब मोटा मोटी उसको कहा जाए तो वो बीच में ही अटका पड़ा हुआ है, उसके पूर्ण होने का अब बहुत कम उसकी उम्मीद है। तो अब जो जिस तरफ ये ले जा रहे हैं, उनकी जो कोशिश है वो है कि एक तो मल्टीलैटरल जो कंसेंसस बेस्ड अप्रोच है उसको सीमित कर दिया जाए, प्लूरीलैटरल हो जो भी फैसले हों और बाद में उनको मल्टीलैटरलाइज किया जाए, और दूसरी बात ये है कि सेक्टोरल हो, जिसमें उनकी रुचि है, जिसमें उनका हित है, स्वार्थ है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर चर्चा हो WTO में। बहुत संक्षेप में नीरज सर, एक WTO जो बना जिस वक्त के हालात थे और जिसके लक्ष्य थे, और आज जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं, कितना कारगर या कितना व्यावहारिक नज़र आ रहा है आज के संदर्भ में, ये कमज़ोर या मजबूत पहले से? देखिए, WTO के पहले वो GATT था, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। GATT ने एक रोल प्ले किया था दुनिया में ट्रेड को बढ़ाने में, पॉजिटिव एक रोल प्ले किया था। WTO भी के भी कई राउंड हो चुके हैं, और पिछले कुछ जो राउंड हुए थे उसमें प्रोग्रेस हुई है WTO में, लेकिन ये जो दोहा राउंड है ये 2000 में शुरू हुआ और आज 2019 है, और अभी भी जो है ये अटका हुआ है, मंजिल पर नहीं पहुंचा। तो ये दिखाता है कि अब ये कुछ इस तरह का ही फेज आया है जहां पर कि डिसएग्रीमेंट काफ़ी हो गए हैं, और अब उनको आगे बढ़ाने का एक यही तरीका ही है कि उनको, जैसे जयंत जी ने कहा कि सेक्टोरल अग्रीमेंट्स जो हैं वो कर करके, और दूसरा वोट बाय मेजॉरिटी जो है वो करके किया जाए, क्योंकि अगर आप 19 साल में आगे मामला बढ़ा नहीं पाए तो इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा प्रोसीजर। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ WTO पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।